जय हिंद साथियों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी की भर्ती निकल के आ चुकी है। इसमें गोल्ड वैकेंसी की बात करें, उसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3571 की 3571 इस तरीके से टोटल वैकेंसी इसकी आ चुकी है। ठीक है, सो इसका फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं डिटेल में वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, सैलरी इसकी 85% रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो गाइस इसका रहने वाला देख सकते हैं मर्चेंट नेवी वाला सिस्टम। ठीक है, जो मर्चेंट नेवी की रिक्रूटमेंट है, जो इसका फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, कितनी तारीख को जो अप्लाई करने की डेट है गाइस, जी 20/10/2023 को जो स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। ठीक है, मैं अब इसकी लास्ट डेट की बात करूँ, जो 30 नवंबर को इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने की। 30 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। और जो एडमिट कार्ड आएगा, जो एग्ज़ाम डेट आपकी कब होगी, जो होगा आपका दिसंबर मंथ में। ठीक है, दिसंबर मंथ में आपका पेपर होगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है? ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करो, जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 100 रहने वाली है, कुल 100 रहने वाली है। एंड एसटी और जो एससी या अदर उनकी भी 100 रहने वाली है, बराबर रखी गई है, किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं है। और फी पेमेंट का जो मेथड है, यूपीआई ऐप से आप किसी भी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस बात करते हैं हम एज लिमिट क्या रहने वाली है। सो एज लिमिट की बात करें, जो मिनिमम एज रखी गई है 18 ईयर्स मिनिमम एज रखी गई है, एंड मैक्सिमम एज 27 ईयर्स की रखी गई है। एंड एज जो है गाइस रिलैक्सेशन भी है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जैसे एससी एसटी वाले को रिलैक्सेशन होगी, वो रिलैक्सेशन इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसमें। इसमें मैं बता दूं, जो पोस्ट हैं, जो अलग अलग पोस्ट हैं, कोई एक पोस्ट नहीं है। मर्चेंट नेवी में भी अलग अलग पोस्ट जो डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले जो डेक रेटिंग की पोस्ट है, उसमें सिंपल 12th पास मांगी गई है। एंड उसके बाद इंजन रेटिंग का, उसमें भी सिंपल 10th पास मांगी गई है। सीमैन उसके लिए भी 10th पास है। जो इलेक्ट्रिशियन का गाइस, उनके लिए 10th पास है। एंड उसके पास आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेन में आपके पास होगी, तो आप इलेक्ट्रिशियन के लिए एलिजिबल होंगे। मैस बॉय की बात करें, उसके लिए सिंपल 10th पास। एंड कुक के लिए भी सिंपल 10th पास ही मांगी गई है, कोई हाई लेवल की नहीं है इसमें, सिंपल 10th 12th ही मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद गाइस बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस का रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आपको पता है आजकल रिटन एग्जाम तो हर एक जॉब के लिए होता है। रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड आपका ऑनलाइन होगा, देन उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, मतलब मेडिकल होगा, देन उसके बाद फाइनल में आपका ज्वाइनिंग लेटर जैसे आज सभी रिक्रूटमेंट में होता है। ठीक है, सो उसके बाद गाइस बात करते हैं जो हमारा एग्जाम पैटर्न गाइस क्या रहने वाला है। ठीक है, सो एग्जाम पैटर्न की बात करें गाइस, जो इसमें जो 4 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया एग्जाम पैटर्न, इसका भी सबसे ऊपर जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंग्लिश की बात करें, तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, और इंग्लिश में के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के ही रहने वाले हैं। उसके बाद इंग्लिश सॉरी साइंस की बात करें, जो भी 25 क्वेश्चन एंड 25 नंबर के रहने वाले हैं। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें गाइस, जो भी 25 के रहने वाले हैं। मैं टोटल मिला के बात करूं, कितने नंबर का जो आपका पेपर रहने वाला है, जो 100 नंबर का रहने वाला है, एंड 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस इतना ही वीडियो में, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर इस वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।